मेरा नाम रिहाना बशीर है, मेरा यूपीएससी सीएससी 2018 में रैंक 187 है। मैं अपने जम्मू डिवीज़न के पीर पंजाल रीजन की फ़र्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर हूँ। आई होप कि खासकर लड़कियों को इसकी हेल्प मिलेगी जो ड्रीम करते हैं कि हम भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें, बट ये सोच के कि शायद हमसे नहीं होगा, शायद हम घर पर बैठ के इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, या हमें किसी स्टेट को छोड़ के कहीं और जाके कोचिंग लेके करना पड़ेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आई होप कि मेरी कैसी जर्नी रही वो आपको हेल्प करे। 2006 में मेरे फादर की डेथ हो गई एंड मेरी मम्मा और हमारे लिए इट वाज अ बिग शॉक। कॉलेज का टाइम ऐसा टाइम था जब मैं अपने आप को फाइंड कर पाई कि लाइक कैसे मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं, कि आई कैन डू मैनी थिंग्स, मैं बहुत कुछ जो एस्पायर करती हूँ वो मैं अचीव भी कर सकती हूँ। इट वाज माय कॉलेज टाइम एंड ऐसा है कि मेरी हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी एंड मैंने अपने एमबीबीएस के टाइम बहुत सिंसियरली पढ़ाई भी की कॉलेज टाइम और इसके काफ़ी ड्रीम्स भी रखे थे मैंने कि मुझे इस फील्ड में कैसे आगे जाना है, कैसे न्यू स्किल्स एक्वायर करनी है, कैसे सोसाइटी के लिए काम भी करना है। इंटर्नशिप के टाइम ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस पता चली मुझे कि सब कुछ डॉक्टर्स होके मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो लाइफ में डॉक्टर रह के मैं लिमिटेड पोजिशन पर रह अपने आप को महसूस कर रही थी। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे वो चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगा। तो फाइनली इट वाज इन द मिडल ऑफ इंटर्नशिप जब मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि आई शुड गिव सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, बिकॉज कुछ ऐसी चेंजेस थी जो मैं देखना चाहती थी और आई फॉलोड दिस थिंग कि यू शुड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर इट डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने नीट पीजी की सारी प्रेप कर ली हुई थी और मैं देने भी वाली थी उसका एग्ज़ाम एंड आई मेड अ डिसीजन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी यूपीएससी प्रेप के लिए वो आती है आपकी मोटिवेशन। तो मेरी मोटिवेशन थी कुछ ऐसे चेंजेस जो मैं चाहती थी कि आएं और एज अ डॉक्टर मैं उन चीज़ों को कभी चेंज नहीं कर पाती जो कि अभी भी पेंडिंग है। मेरा ड्रीम, मेरा गोल अभी भी वही है, आई हैव टू डू दोज थिंग्स। और ये मोटिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी सिंसेयर मोटिवेशन ही है जो आपको इस पूरी जर्नी जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत बार फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत बार ऐसा टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि शायद आपने गलत डिसीजन लिया है, जब आप एक सिंपल एक बिल्कुल आपका प्री फॉर्म पाथ था जब आपको पता है कि आप आराम से चीज़ें एक्वायर कर सकते थे, तो आप एक ऐसा एक अनसर्टेन जर्नी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं कि आप उसको अचीव कर भी पाएंगे टाइम पे या नहीं।